भाई 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 पानी का फैसला कर रहा है जारी, ये खुदा की कुदरत कर रहा है। क्या बात है भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मगरिब फहीम। आई होप आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। तो पिछले व्लॉग में आपने देखी होगी वीडियो, ये कितनी मस्त वीडियो रही थी। तो आज की वीडियो जो आप टाइटल से ही मतलब जान चुके होंगे कि आज की वीडियो का हमारा मकसद क्या है। तो फाइनली हम जो है मतलब पहले नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आज फ्राइडे है तो हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। आज मेरा दोस्त मेरे साथ है आरिफ। आरिफ इधर देखो, ये मेरा दोस्त है आरिफ, उसके साथ हम अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो बाद में इंशाल्लाह आपको जो टाइटल पे लिखा है उससे पूरा मिलाएंगे कश्मीरी घाट से। तो फ्रेंड्स, इसकी जो शेप होती है बाहर से इस तरह की होती है, अक्सर जो है इसी तरह की होती है। बाहर ये पानी यहाँ से कैसे छोड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहें। तो बाहर से ये ऐसा होता है, अक्सर इन घाटों में यही ज़्यादातर लगे रहते हैं मतलब ये। तो पहले हम जाते हैं मतलब यहाँ इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं, पहले वो वहाँ पर हम जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पानी आता है पीछे से, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ से पानी आता है ऐसे 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 ऐसे। अभी ये घाट जो है ऑन है, जब इसको ऑन करना होता है तो ये जो होता है ये इसको हम उठाते हैं। अभी तो ये मतलब जब इसको ऑफ करना होता है तो इसको उठाते हैं और उस जगह लगाते हैं, इस जगह लगाते हैं। तो इससे हमारा ग्राउंड जो है ऑफ हो जाता है। अगर ऑन करना होगा तो वहां से उठाकर, ये जो है वहां से उठाकर यहां पर रखना है, तो वो ग्राउंड जो है ऑन होगा। जैसे अभी ऑन ग्राउंड है तब हम अंदर से जाते हैं। तो अब हम अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है अंदर। अरे भाई भाई क्या हो रहा है, क्या है अंदर से इसकी शेप जो ऐसी होती है। पहले हम ये ऑन करते हैं, इसकी वजह से हमें लाइट आएगी। ये देख सकते हो इसका विंडो, यहाँ से हमें रोशनी मिल रही है। और अब आप देख सकते हैं ये है, इस चीज का नाम घाट है, इस वाला का नाम घाट है। तो यहाँ से जो हम हमारा जो मटेरियल होता है, जैसे गुंदम इसमें है तो हम इसमें मक्की भी डालते हैं, जिसको बिहारी लोग और हरियाणा के लोग मक्का बोलते हैं वो इसमें डालते हैं। तो वो जो है इसकी सपोर्ट की वजह से इसमें जाता है, और ये जो घाट जो इसको पीस कर इस शेप में लाता है, इस शेप में यहाँ से जो है आटा निकल जाता है। जैसे फाइनली अभी जो है कितना आटा निकला है, और अभी घाट जो है चालू है, तो जिस तरह आप देखते हैं इसमें भी आटा है बहुत, अभी ये निकला है इतना। और अब बता दूं कि ये क्या है, ये जो है ये चीज जो है इसमें जो इसका मालिक होता है ग्रांट का, मतलब इतना निकला है तो 1 kg 2 kg इसमें निकल जाएगा, जिसको कश्मीर में भोड़ कहते हैं, भोड़ वो जो है इसमें रखते हैं इस जगह में। तो इस तरह का होता है ये, मतलब ये जो स्पोर्ट की वजह से होता है। यहाँ पर कितना रखना है हमें, ज्यादा रखना है या कम रखना है, वो इसकी स्पोर्ट से हम रख सकते हैं। इसके अलावा ये होता है, ये यहाँ पर हमने अमला आटा किस तरह का रखना है, अगर ज्यादा तेज रखना है तो यहाँ पर इसको ऐसे करना है स्पेस की वजह से, तो आटा जिस हिसाब से रखना होगा उस हिसाब से रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, वो हमें बताएंगे कि मतलब इस ग्राहट के बारे में, मतलब इसमें और मशीन में क्या फर्क है। तो आरिफ आप बताओ हमें कि इस ग्राहट और इस मशीन में क्या फर्क है, मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मैं यही बताऊंगा कि मशीन का आटा कम से कम 1 दिन रह जाता है अक्सर, और ये ग्राहट में कम से कम 1-2 महीने तक आटा अच्छा रहता है। अच्छा, 1-2 महीने तक बिल्कुल आटा तो ठीक रहता है, लेकिन मक्की का आटा बिल्कुल खराब है। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ा शायरी शायर करता हूँ। हाँ, ये जो है पानी का कमाल है, ये जो है मतलब शायरी बहुत करते हैं हमारे दोस्तों। आप कोई शेर, पानी का कमाल है सब, पानी का कमाल है, देखो ऊपर वाले की नियामत है, पानी का कमाल है, वाह क्या बात है भाई। इरशाद इरशाद, एक मतलब और बताओ यार। पानी का फैसला कर रहा है जारी, ये खुदा की कुदरत कर रहा है। क्या बात है भाई। तो कहते हैं नाल है, ये है पानी है, लेकिन पानी का कमाल है, ऊपर वाले की नियामत है सबका कमाल। जिस तरह आप देखिए, ये जो है हमारे दोस्त हैं और ये किस तरह शायरी कर रहे हैं, तो इन्हें हमें बता दिया कि इसमें और मशीन में क्या फर्क है। और इसका जो आटा होता है वो बहुत ही अच्छा आटा निकलता है, तो टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन आटा बहुत अच्छा निकलता है। टाइम लगता है इसमें बहुत है, टाइम बहुत लगता है, लेकिन आटा बहुत टाइम बहुत अच्छा
लगता है इसमें, लेकिन बट जो है जिस चीज में टाइम लगता है वो चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी होती है। तो इसमें जो है टाइम बहुत लगता है लेकिन आटा भी बहुत अच्छा निकल जाता है। लेकिन मशीन में क्या होता है, मशीन और इसमें क्या फर्क है? मशीन आटा जलाकर अच्छा, मशीन का आटा ठीक नहीं होता। अच्छा, तो मशीन का आटा जो है ठीक नहीं होता है। अच्छा, आज के लोग बहुत बीमार होते हैं मशीन के आटे की वजह से, क्योंकि ये ग्राहक जो है, क्योंकि आटा बहुत जरूरी है आज के लिए, आटा खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्राहक जो है पुराने जमाने में जम्मू कश्मीर के लोग जो है पुराने जमाने में होते थे, इस जमाने में बहुत कम पाए जाते हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा कम पाए जाते हैं। देखो आप हमारे नदी में देखो पानी भी सूख गई ग्राटों की वजह से, पहले धोते थे 10-10, 12-12, अब देखो 2-3 ग्राट चल रहे हैं हमारे नदी। हाँ वो तो है, मतलब बहुत दिक्कत है इनकी, बहुत काम है ना, काम है। लेकिन जो ये इसका आटा खाते हैं वो बहुत अच्छे तगड़े होते हैं। हाँ, जैसे गोजर वोजर होते हैं ना, वो मक्की का आटा खाते हैं, कितने मतलब ताकतवर होते हैं। और हम जैसे हम क्या है, गांव में एक बंदा है वो खाली मक्की इसका ग्राट का आटा खाता है, वो 2 क्विंटल उठाता है। अच्छा, अरे भाई मारो, मतलब कितना फायदा इस ग्राट का, अब भाई शफी सिस्टर मतलब कितना फायदा है इस ग्राट का, आप देख सकते हैं। आपने हमारे दोस्तों भी कितनी बातें सुनी, तो अब हम आपसे कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो ज्यादा से पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि ये ग्राट क्या है, इसका फायदा क्या है और इसका आटा कैसा होता है, और इसका आटा कैसा होता है। ज्यादातर मक्की का आटा अच्छा। अरे भाई मारो, यहाँ पर मैं हाथ लगा रहा है, भाई 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 मारो 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 मारो।